बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? सब ठीक ठाक होंगे? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं 9th क्लास के रिज़ल्ट की ख़बर आप लोगों को दे दूं कि जी इंशाल्लाह उम्मीद है कि 9 दिसंबर जो फ्राइडे आ रहा है, 9 दिसंबर वाले दिन इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। मुतवक्के है और तकरीबन 90% चांसेस हैं कि 9 दिसंबर को आपका रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है और इंशाल्लाह वो ज़रूर आ जाएगा। सबसे पहले ख़बर तो 9 वालों के लिए भाई ये है, तो इंशाल्लाह मैंने भी यही कहा था कि अगर इस नवंबर के लास्ट वीक में नहीं आया तो दिसंबर के स्टार्ट में ज़रूर आ जाएगा। तो वो इंशाल्लाह 9 दिसंबर का दिन है और आई होप के ज़रूर आएगा और अच्छा रिज़ल्ट आए। भाई ये आपके लिए दुआ की जाएगी कि इंशाल्लाह आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ की जो रिज़ल्ट्स को देखकर फिक्र हो रही है, लेकिन अल्लाह करे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए। अच्छा जी, ये दूसरा रिज़ल्ट है इंटर कॉमर्स का, यानी पिछले दिनों जो इंटर साइंस, पहले इंजीनियरिंग फिर प्री मेडिकल आया था, अब जो है वो इंटरमीडिएट हिस्सा दो कॉमर्स का रिज़ल्ट आया है प्राइवेट ग्रुप का। ठीक है भाई, और ये जो है इसमें कितने बच्चे शरीक थे? अच्छा, कॉमर्स प्राइवेट ग्रुप के इम्तहानात में कुलसूम बिन मोहम्मद हिलाल दीन, रोल नंबर ये है, टोटल 1100 में से 919 नंबर A1 ग्रेड लेकर पहली पोजीशन हासिल की। लाइबा हनीफ ने जो है 912 नंबर लेकर A1 ग्रेड के साथ दूसरी पोजीशन, जबकि तूबा इमरान ने 905 नंबर A1 ग्रेड लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। अच्छा, कॉमर्स में चूँकि ज़्यादातर गर्ल्स होती हैं, वैसे तो बॉयज़ भी काफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों पोजीशन में गर्ल्स जीत गई हैं। भाई बहुत बहुत मुबारकबाद है इन लड़कियों को। और इसके बाद जो है ये भी बताया गया है कि प्राइवेट ग्रुप के इम्तहान में टोटल जो उम्मीदवार थे वो 2588 थे रजिस्ट्रेशन, और पेपर दिए थे 2505 ने, जिसमें से 1495 उम्मीदवार कामयाब हुए, और उसमें जो तनासब है वो भी तकरीबन 60% रहा है। कॉमर्स का रिज़ल्ट जो है वो तनासब कम ही आता है, बहरहाल 60% अच्छा तनासब है। और इसमें जो है 4 उम्मीदवार ने A1 ग्रेड लिया है, जिसमें से 3 तो पोजीशन होल्डर हैं, और 51 ए ग्रेड हैं, 205 बी ग्रेड हैं, 485 सी ग्रेड हैं, 665 डी ग्रेड हैं, और 83 उम्मीदवार ई ग्रेड में कामयाब हुए। तो आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा, मालूम है आपको साइट पर, आपके BIEE के उस पर देख लें और आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये भाई आज की न्यूज़ थी, साथ में आपके 9th की भी ये न्यूज़ जो थी मैं आपको बताना चाह रहा था। इंशाल्लाह अब ये थोड़ी सी मुसद्दिका ख़बर पक्की है और 90% चांसेस है, अगर कोई कुछ और ना हो तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपका जो है 9 दिसंबर को आ जाएगा। इसके अलावा भाई कोई और चीज़, कोई वीडियो, कोई और चीज़ आपको जो ज़रूरत हो, देखें आपसे मैंने कितनी बार कहा है, कोई किसी भी चीज़ की आपको नीड हो तो आप ज़रूर बताया करें। मैं एक अपने टाइम टेबल से चल रहा होता हूँ, कभी बिज़ी होता हूँ, कभी थोड़ा सा टाइम होता है, कभी कोई छोटी वीडियो बना देता हूँ, कभी कोई बड़ी वीडियो बना देता हूँ। तो भाई आप लोगों को भी अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो ज़रूर बताया करें, तो मैं उसके हिसाब से वीडियोस बनाता रहूँ। कमेंट्स में ज़रूर रब्ता किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।